वेल, अगर आप लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आपको 5 ऐसे रेसलर्स के नाम बताने वाला हूँ जो जल्दी WWE के ऊपर उनका डेब्यू करेंगे। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि वो कौन से 5 बड़े रेसलर है जो 100% WWE के ऊपर उनका डेब्यू करने वाले गए, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, पहला नाम जो WWE के ऊपर गारंटेड डेब्यू करने वाला है वो यहाँ पर फेमस मैक्सिकन रेसलर स्टेफनी वेकूर होंगी। गाइज, यहाँ पर कुछ महीनों पहले WWE कंपनी के द्वारा स्टेफनी वेकूर को साइन किया गया था और किसी भी समय के ऊपर WWE के NXT के ऊपर स्टेफनी वेकूर यहाँ पर उनका डेब्यू कर सकती गए। बट गाइज, स्टेफनी वेकूर के बाद जो दूसरा नाम डेब्यू करेगा वो AEW के फॉर्मर सुपरस्टार द लूशा ब्रदर होने वाले गए। गाइज, यहाँ पर 5 सालों तक AEW पर काम करने के बाद लूशा ब्रदर फाइनली WWE के ऊपर आ रहे गए और लूशा ब्रदर का डेब्यू WWE के NXT पर ना होकर बल्कि डायरेक्टली WWE के मेन रोस्टर के ऊपर होने वाला है और किसी भी समय के ऊपर मेन रोस्टर पर रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर द लूशा ब्रदर उनका डेब्यू कर सकते हैं। बट इसके बाद अगला नाम WWE के अंदर तमातोंगा के यंगर ब्रदर हिको लियो का होगा। गाइज, यहां पर तमातोंगा को रेसलमेनिया वीकेंड में साइन करने के बाद WWE ने कुछ ही महीने के बाद हिको लियो को भी कंपनी में साइन कर लिया था और WWE कंपनी अब ये वेट कर रही है कि कब यहां पर वो हिको लियो का डेब्यू कराएंगे और किसी भी समय पर मेन रोस्टर के ऊपर ब्लड लाइन के अंदर हिको लियो का डेब्यू हो सकता है। बट हिको लियो के बाद जो अगला नाम कंफर्म डेब्यू कर रहे गए वो TNA की ऑर्गुली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम द मोटर सिटी मशीन गन दे। गाइस, यहां पर 20 सालों तक TNA में काम करने के बाद मोटर सिटी मशीन गन फाइनली WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए और पॉसिबली 2 अक्टूबर को WWE के NXT शो के ऊपर द मोटर सिटी मशीन गन उनका डेब्यू करेंगे। बट जो फाइनल नाम डेब्यू करने वाला है वो हॉल ऑफ फेमर उमागा के बेटे जिला फातू होंगे। गाइस, यहां पर इस चीज को लेकर कगड़ी अपडेट आ रही है कि WWE के ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर जेका फातू के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर जिला फातू जल्द उनका डेब्यू करने वाले गए। वेल, आप यहां पर इन 5 में से किसके डेब्यू के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।